लेकिन मैं बहुत सी बातें बताऊंगा जिसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। एक तो ये यहां पर एक प्रश्न रखा गया था कि भूमि सुधार नहीं होने चाहिए, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा गया है कि देयर शुड बी रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स। रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी, अनाउंस की गई थी, तो आप उस पीरियड को याद कीजिए कि सारे देश के अंदर भूचाल आ गया, हरियाणा को जला दिया गया था। और किसके इशारे पर? हरियाणा के मुख्यमंत्री के इशारे पर। दिल्ली जला दी गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो जगह जगह पर जला दिया गया था। और उस हालत के अंदर जो है मंडल चौक बनाया गया था, और मंडल चौक बनाने वाले पता नहीं अभी है नहीं है, अमर सिंह अवर के नेतृत्व बना था, और एडवोकेट सुहास यादव, उन हालातों में बना था जहां पर के स्टूडेंट्स को मारने को तैयार। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊं कि क्यों भूमि सुधार जरूरी है। आपको अगर थोड़ा सा याद हो किसी को, क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी है, मैं ये बता दूं कि इमरजेंसी के समय मैं पूरी इमरजेंसी में जेल में था, और उस समय मैं एक बहुत क्रांतिकारी विचारधारा का नौजवान था। जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे पास हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ टीचर्स आए, वो सारे के सारे स्टूडेंट कास्ट के, और उन्होंने कहा कि यहां पर हमारे यहां बहुत अत्याचार हो रहा है और आप इस अत्याचार को झेल सकते हैं। और वो अत्याचार था कि दिल्ली के गांव कदहावला में ये इमरजेंसी लागू करने से पहले भी दिल्ली के अंदर जमीन बांटी गई थी भूमिहीनों को, जिसमें मोस्ट बैकवर्ड थे और स्लूम कास्ट के लोग थे। और कितनी जमीन दी गई थी खेती के लिए? एक 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 किला, वो बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। और उसके बाद उस जमीन को छीनने के लिए वहां पर एक किसान संघर्ष समिति बनाई गई थी। किसान संघर्ष समिति के अंदर जो है हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से बड़े बड़े लीडर्स, एमपीस, मिनिस्टर तक जो है उनके अंदर हिस्सा लेते थे। तब मुझे बुलाया गया था, मैं गया तो मैंने उस चीज का हालात का अध्ययन किया, और मैं सून कास्ट के लोगों के बीच में जाकर की भी बात की, पता लगा उनका तो जीना मुश्किल हो रहा है। क्या एक एकड़ जमीन मिलने से कोई वो लैंडलॉर्ड बन गए थे?
सवाल लैंडलॉर्ड बनने का नहीं है, इस देश के अंदर जो है जमीन किसके पास है, जमीन भी जातियों के हिसाब से बटी हुई, जमीन जो है ज्यादा जमीन ठाकुरों के पास है जो खेती नहीं करते, भूमिहार हैं जिनके पास जमीन है लेकिन वो हल को हाथ नहीं लगाते, पशु को हाथ नहीं लगाते, दूध पिएंगे गौ माता की जय बोलेंगे लेकिन गाय का दूध नहीं निकालेंगे, उनके पास जमीन है और जो घाव करते हैं जो खेती करते उनके पास या तो छोटी जमीन है या जमीन बिल्कुल नहीं। तो ये जमीन का बंटवारा, सबको जमीन का हक देना, जो गांव में रहता है चाहे मजदूरी करता है चाहे कुछ भी करता है, जमीन देना एक सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, आर्थिक मुद्दा नहीं है, और सामाजिक प्रतिष्ठा अब ये अछूत प्रदान किया जाता है, जाति में बांटा हुआ है, इसके अंदर कोई धन से बांटा हुआ है नहीं। बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग बहुत गरीबी हो सकते हैं, खुद जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिसने दी थी, बीपी मंडल, वो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, और उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन ये जाति का तो शुभना होता है, एक दंश है, उनको भी भुगतना पड़ा था। इसलिए उस आंदोलन के अंदर हमने सीखा कि हमने जो है उस जमीन को मैंने रुकवाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन इस देश की पार्लियामेंट दो हिस्सों में बट गई थी, हरियाणा की विधानसभा दो हिस्सों में बट गई थी, यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री मुरारजी भाई भी मेरे साथ आए थे, और उस जमीन को हमने रुकवाया, और उस जमीन के अंदर जो है उस एक एकड़ जमीन का हमें इस देश के अंदर पहली बार जो है भूमि दलीय अधिकार मिला, लैंड का राइट मिला था कानूनी रूप से, और उसके अंदर नैतिक तो मेरा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भूमि सुधार का क्रिया करना, भूमि सुधार लागू करना, वो इस देश के अंदर बहुत ही जरूरी है, ना केवल बेकार की चीज है। हमारे कोई विद्वान लोग बोल रहे थे जेडीयू से, मुझे पता नहीं उन्होंने कहां से ये विदेश पर अप की है कि भूमि सुधार जो है वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस बात को हमें इस मन से बहुजन के लिए, उसमें बहुजन को ही फायदा है, भूमि सुधार लागू होने से बहुजन को ही लाभ है, और भूमि सुधार लागू होने से वो पता है क्या होगा, बहुजन समाज हमारा बिखरा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप नहीं सुनना चाहते नहीं बात, तो मैं बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये भी बात करनी है कि मैं यही बात समझने के लिए आया हूँ, यही तो बात है। मैं जो बात रख रहा हूँ उसका पर्पज ये है कि मैं जो बात रख रहा हूं उतना बोल्डली आपको इस देश में को रखने वाला नहीं, मैं बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं सब वीडियोस को जानता हूं। जब ये कंधावा के अंदर भूमि पर बात चल रही थी तो आज जो बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं ना बैकवर्ड के, वो सारे कई दिनों में घुसे गए, कोई सामने नहीं आया था। तो फिर जो है
आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। मायावती जी उस समय स्टूडेंट थी, वो मेरे भाषण मानती थी हर भाषण, लेकिन दुख की बात ये क्या है कि वो भाषण कर करके चली जाती थी और उनकी बात नहीं सुन पाती थी, इसलिए कभी हमारे साथ लंबे समय तक नहीं जुड़ी। तो मैं ये कह रहा हूं, एक दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि आरक्षण का जो मुद्दा है अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ओबीसी का आरक्षण का जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट को सुना था उसने भी एक सवाल उठाया था कि ओबीसी की संख्या है क्या, ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। उस समय बात ठीक थी कि ओबीसी के आंकड़े सरकार क्यों नहीं इकट्ठे करती, जातीय जनगणना क्यों नहीं करती, पीछे जो है जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय पार्लियामेंट ने पास किया था कि हम जनगणना के साथ तो नहीं कर पाए, लेकिन अब हम जनगणना अलग से करेंगे जातीय जनगणना। वो जातीय जनगणना हुई, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को अनाउंस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है मंगल कमीशन में जो तो है और जो सुप्रीम कोर्ट ने जज ने कहा था अगर जातीय जनगणना बता देते हैं तो उसके हिसाब से आपको आरक्षण मिल जाएगा। जैसे ओबीसी की संख्या जो है अगर 60% है तो उनको 27% नहीं 60% आरक्षण मिलेगा। हम उस बात को 27% पर चक्कर काट रहे हैं, 27% मंडल कमीशन ने नहीं दिया है। कौन कहता है मंडल कमीशन 27% दिया? मंडल कमीशन ने जो है बताई है कि ओबीसी की संख्या जो है वो 56% और अब और ज्यादा हो गई। तो इसलिए ये जनगणना के आंकड़े जो मिले हुए हैं आज तक क्यों नहीं घोषित करते हैं? क्यों ये भाजपा की सरकार जो है कई बार सवाल उठा लिए गए हैं कि जनगणना के आंकड़े जैसे भी हैं एक बार घोषणा तो करो ना। अब ये पोस्ट रिकॉर्ड में और उसमें बांटने की कोशिश करते हैं, अगर जनगणना के आंकड़े इकट्ठे हो जाए तो पोस्ट रिकॉर्ड का बैकवर्ड का अपर बैकवर्ड का ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, ये झगड़ा टाल जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट है ये झगड़ा करवाने के लिए ज्यादा बैठी है के ओबीसी की समस्या सुलझाने के लिए। तो हमें इस बात को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और अपनी बात रखते समय कहां पर भी जाते हैं कहीं जाते हैं, मैं तो हमारे पीएससी में बहुत बार कह चुका हूं, उनसे कह चुका हूं कि आप पार्लियामेंट को उठाते क्यों नहीं कि जनगणना के आंकड़े घोषित करो। उनका वो है हमारा अधिकार है कि जनगणना के आंकड़े घोषित किए जाए, उसके बाद से ये झगड़ा ही खत्म हो जाता है। दूसरा ये जो झगड़ा होता है कि किसको मिल गया एससी एसटी ओबीसी इन आपस में झगड़ा है, मंडल का झगड़ा है, मंडल कमीशन के अंदर जो बैकवर्ड लिए गए हैं उसके अंदर रिलीजन का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम भी बैकवर्ड मानते हैं, दिल्ली से हमारे प्रोफेसर लगे हुए हैं वो मुस्लिम है लेकिन उनको बैकवर्ड के हिसाब से उनको आरक्षण मिला। तो ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि मुस्लिम को नहीं मिला, नहीं, जो बैकवर्ड की लिस्ट में आते हैं जो उसमें लिस्ट बनाई है उसमें मुस्लिम भी है उसमें क्रिश्चियन भी है, कुछ जिनको आरक्षण ओबीसी के हिसाब से मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट के हिसाब से अभी क्रिश्चियन को और मुस्लिम को भी नहीं मिला है। उसके अंदर हम शुरूकास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कि कई बार जो है उनके सम्मेलन पहुंच के। तो ये सब बातें लेकर के मैं अब ज़्यादा नहीं लूँगा, मैंने अपनी बात संक्षेप में रखी है।
कि आपस में भाईचारा जो भी कायम हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझे, एक बात। दूसरा, मैं ओबीसी के जहाँ तक और क्लासेस बैकवर्ड में लाने की जरूरत है, इसलिए तो वो फार्मूला है जो भी आना चाहते हैं हरियाणा में हमारे यहाँ जाट आंदोलन कर रहे हैं, उधर से जो है गुजरात में कर रहे हैं, उधर से महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और जगह पर कर रहे हैं, उसका तो एक ही फार्मूला है। और वो फार्मूला है जिसकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण को दे दो। अगर संख्या जो है किसी के 5% है तो 5% दे दो, 10% है तो 10 दे दो, 1% है तो 1% दे दो। तो इस फार्मूले में लागू करवाओ बहनिस्पत के आपस में झगड़े। आपस में झगड़ने का कोई फायदा नहीं, आपस में झगड़ा कभी पैदा हो सकता। तो इसलिए ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन वो एक साल उठाए कि जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमें आरक्षण को दे दो। उसके बाद क्या जो है ये 50% जो है सीट्स के ऊपर जो है ये ठाकुर ब्राह्मण और ये प्रकाश होते हैं, इनके पास इस देश की 80% जो है वो जमीन है। देश की 80% जमीन चार जातियों के पास है और खेती नहीं करते, चार के पास है, वो पशु भी नहीं पालते और उनको बैठाते रहते हैं कि वहां पर जो है गौ रक्षा करने जाओ। और वहां पर जो है ये राजस्थान हुआ था, ये जयपुर के पास, वहां पर जो है कौन थे गौ रक्षक, किशन, इन्होंने मारा उन सुल्तानों को, कोई ठाकुर नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं था, सारे के सारे यादव थे, बिल्कुल 100% यादव थे, क्योंकि यादव मूर्ख है। हाँ, वो कभी कृष्ण का नाम लेकर देखे कि गीता उसने लिखी थी, पता नहीं लिखी था नहीं लिखी थी, उस समय कृष्ण पढ़े लिखे थे या नहीं थे मुझे मालूम। ऐसी बात नहीं, हर वक्त सेम है, इस बात को मैं कहता हूँ। तो इसलिए असली बात क्या है कि हमें ठीक ढंग से साहित्य पढ़ने चाहिए, अपने इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर हम देखें, मुझे पता नहीं लगता, कृष्ण तो काला था एक बात, और राम लीला था।